हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जसवंत। आप देख रहे हैं गेमिंग विथ जसवंत यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम किसी भी प्रकार के टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर बात नहीं करेंगे। आज का जो वीडियो है, अगर कहीं आप इस वीडियो पे आ चुके हो तो यार वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी लोगों को, अगर आपका एक यूट्यूब चैनल है या आप गेमिंग क्रिएटर हो, अगर आप न्यू चैनल बना रहे हो, तो आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को कुछ छोटी मोटी ऐसी बातें बताऊँगा जो कि आप सभी लोग यूज़ करके आप जो अपना चैनल ग्रो कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने अपना चैनल ग्रो कैसे किया, मैंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई, मैंने क्या सीखा, वो मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड अगर कि आप चैनल पर पहली बार आ रहे हो, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल होने वाला है गेमिंग क्रिएटर्स के लिए, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ठीक है, मैं शुरू में ही बोल दे रहा हूं, और एक भी पार्ट वीडियो का मिस मत करना, क्योंकि मैं बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें आप सभी लोगों को बताने वाला हूं। और फ्रेंड्स, अगर आप गेम प्ले देखने के लिए आए हो तो आप गेम प्ले भी देख सकते हो, और बातें सुनने के लिए मेरे आए हो तो बातें भी सुन सकते हो, बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। तो सबसे पहली बात ये है कि मुझे जो है बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपने अपना चैनल ग्रो कैसे किया, सब्सक्राइबर्स कैसे आपने गेन किए, और क्या टिप्स रहती है, मतलब क्या आपने किया, तो वो हमें बताइए। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा मेरे को क्वेश्चन आ रहे थे, इसलिए मेरे को ये वीडियो बनाना पड़ा। एंड गाइज, ये मेरा पहला और आखिरी वीडियो है मेरे चैनल के ऊपर, और मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाऊंगा, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि हमको जो हमारे गेमिंग कॉन्टेंट पर ध्यान देना है, और ज़्यादातर हमको गेमिंग वीडियोज़ ही बनाने हैं। ठीक है, और आप सभी लोगों को मैं नॉलेज जितना मैं जानता हूँ गेम के बारे में, नॉलेज मेरे को देनी है। तो ये मेरा पहला और आखिरी वीडियो है मेरे चैनल के बारे में। ठीक है, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस थे, तो आज के इस वीडियो में सारे के सारे क्लियर करूंगा मैं। ठीक, अगर आप सुनना चाहते हो तो ज़रूर से ज़रूर सुनना, मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा, मैंने अपना चैनल ग्रो कैसे किया, क्या होता है ट्रिक, क्या होता है सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहली बात है, मैंने जब अपना चैनल स्टार्ट किया था तब मैं गेमिंग के बारे में कुछ नहीं जानता था। ठीक है, मैंने अपना गेमिंग चैनल बहुत बाद में बनाया था, मतलब पहले मैं एक चैनल चलाता था, मतलब ऐसे ही नॉर्मल सा चैनल था, और कॉमेडी वीडियोस वगैरह में बनाया करता था। ठीक है, कॉमेडी वीडियोस वगैरह में अपने आप से बनाया करता था, कोई मेरा साथ नहीं देता था, अकेला मेरे को, मतलब एक प्रकार से शौक था, यूट्यूब में फेमस होने का शौक था, तो वो पूरा करने के लिए मैं जो है वीडियोस बनाया करता था। बट वीडियोस पे व्यूज़ कितने आते थे, 5-6, वो भी ज़बरदस्ती के, किसी बंदे को शेयर किया और उसको बोला कि भाई तुमको देखना ही पड़ेगा, तो ज़बरदस्ती जो है दिखवाता था वीडियोस अपने, और यहाँ पर जो है मैं व्यूज़ पा लेता था, 5-6, 3-4 ऐसे करके व्यूज़ आ जाते थे वीडियोस पे। तो मेरे को लगता था कि यार लोग देखते क्यों नहीं है, मैं वीडियो बनाता हूँ लोग देखते क्यों नहीं है। तो अगर आप एक मतलब गेमिंग क्रिएटर हो, आप गेमिंग वीडियोस बना रहे हो, और आपको लगता है कि यार मेरे वीडियोस चल ही नहीं रहे हैं, क्यों नहीं चल रहा, मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ, मैं कैसी गलती कर रहा हूँ, तो वो मैं आपसे लोगों को बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता था, मैं कॉमेडी वीडियोस वगैरह बनाया करता था, मेरा चैनल ग्रो नहीं हो रहा था। उसके बाद जो मैंने टेक कैटेगरी को चूज़ किया, क्योंकि टेक में मेरे को बहुत ज़्यादा नॉलेज थी और है और रहेगी, क्योंकि मैं जो हूँ टेक में ही ज़्यादातर अपना टाइम व्यतीत करता हूँ। तो मैंने जो है टेक्नोलॉजी के ऊपर वीडियोज़ बनाना स्टार्ट किया, बट टेक्नोलॉजी के पहले से ही बहुत सारे चैनल्स हैं, जिसके कारण जो है मेरा चैनल तब भी ग्रो नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद जो है फ्रेंड्स, फ्री फायर गेम आया मेरी लाइफ में। जब मैं टेक चैनल चलाता था तो मेरे को एक बंदे ने कमेंट करके बोला था कि भाई फ्री फायर गेम को हैक कैसे करें, तो मैंने जो है गेम को डाउनलोड किया पहले, मैंने कहा पहले चलो डाउनलोड करके देखते हैं। एंड जब मैंने गेम को डाउनलोड किया, तो मैंने जब उसको प्ले किया, तो वो फिर धीरे धीरे खेलते खेलते वो गेम जो फ्री फायर गेम है वो मेरा फेवरेट हो गया। ठीक, अभी फ्री फायर गेम मेरा फेवरेट हो गया, तो मैं जो हूँ गेम खेलता था लगभग दिन भर में 3-4 घंटे 5 घंटे भी मैं 1-5 घंटे में गेम को प्ले कर लेता था। ठीक है, तो टेक वीडियोज़ में जब बनाता था, तो टेक वीडियो बनाने के लिए मेरे को अलग से टाइम निकालना पड़ता था, समझ रहे हो, और गेमिंग वीडियोज़ बनाने के लिए मेरे को टाइम निकालने कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैं दिन भर गेम ही खेलता रहता था। तो मैंने सोचा कि यार चलो यार टाइम मेरे को अलग से निकालना पड़ता है, और एक काम करते हैं, गेम खेलता हूँ तो टाइम वेस्ट होता है, तो एक काम करता हूँ, जो मैं गेम खेलता हूँ अपने गेम प्ले को इम्प्रूव करके जो है मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, और वीडियोज़ को जो है मैं अपने यूट्यूब चैनल पर पब्लिश करता हूँ, तो मेरा टाइम भी बचेगा एंड जो मेरा यूट्यूब चैनल है वो भी चलता रहेगा, चैनल ग्रो हो या ना हो मेरे को कोई मतलब ही नहीं था। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि गेमिंग वीडियोज़ बनाना स्टार्ट किया एंड मैं जो हूँ वो अपने चैनल पर अपलोड करने लगा। ठीक है, और फ्रेंड्स अगर आपको मेरे पुराने वीडियोस देखने हैं, ठीक है, पुराने गेमिंग वीडियोस देखने हैं, तो कम्युनिटी टैब में मैं लिंक दे दूंगा अपने पुराने चैनल का, वो टर्मिनेटेड चैनल है, उसको सब्सक्राइब मत करना। ठीक है, पहले ही बोल दे रहा हूँ, क्योंकि उस पर वीडियोस कभी भी नहीं आने वाली, और कुछ दिनों मैं उस चैनल को डिलीट भी कर दूंगा, इसलिए डिलीट नहीं किया क्योंकि आप लोगों को उस चैनल पर जो वीडियोज़ पड़े हुए हैं वो दिखाना चाहता हूँ। तो कम्युनिटी टैब में मैं लिंक दे दूंगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं अपने पुराने चैनल का लिंक दे दूंगा, आप मेरे पुराने वीडियोज़ देख सकते हैं मैं कैसे वीडियोज़ बनाता था। ठीक है, और बहुत सारे लोग जो है अभी उसी प्रकार के वीडियोज़ बना रहे हैं। ठीक है, और मेरे को जो है कमेंट आया
तीन चार बंदों के कमेंट्स आए हैं, तो वो बोल रहा है कि भाई हमें किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, ठीक है, किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, मतलब गेमिंग चैनल है ये बात मान रहे हैं, मतलब कौन सा टॉपिक होना चाहिए हमारे चैनल का, इवेंट के ऊपर, टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर। तो मतलब ये मुझसे बंदे पूछ रहे हैं कि हमें किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। तो चलो यार अभी मैं आपका ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ कि आपको कौन से कैटेगरी के वीडियोस बनाने हैं। आपने गेमिंग कैटेगरी चूज़ कर ली, चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अभी आप जो गेम खेलते हो, जैसे मान के चलो फ्री फायर गेम है, तो फ्री फायर गेम छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा गेम है, ये गेम कभी ख़त्म नहीं होने वाला, ठीक है। छोटे मोटे गेम्स होते हैं, उनके स्टेज होते हैं, लेकिन इसके कोई स्टेज नहीं है, ये भाई एंडलेस गेम है, मतलब ये कभी ख़त्म ही नहीं होने वाला है और बहुत बड़ा गेम है। तो यहाँ पर जो है इस गेम में बहुत ज़्यादा, मतलब ज़्यादातर इस गेम में स्ट्रेटजी काम आती है, ठीक है। एंड फ्रेंड्स, अगर आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मुझसे जो भी मतलब न्यू बंदे जो है, न्यू यूट्यूबर्स मुझसे सलाह मांगते हैं, तो मैं उनको बताता हूँ कि भाई आपका अगर गेम प्ले अच्छा है, ठीक है, तो आप मॉन्टेज वीडियो बना सकते हो, ठीक है, वो आपकी चॉइस होती है, मॉन्टेज वीडियो बना सकते हो एंड गेम प्ले के वीडियोज़ बना सकते हो, जैसे B2 के MA10 वगैरह ये लोग बनाते हैं, ठीक है, तो आप इस हिसाब से भी आप वीडियोज़ बना सकते हो। और फ्रेंड्स, आपके पास अगर कहीं ज़्यादा पैसा है, ठीक है, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है और आप डायमंड टॉपअप करते हो, मतलब आप डेली टॉपअप करते हो या हफ्ते में 3-4 बार टॉपअप करते हो या महीने में 5-6 बार टॉपअप करते हो, मतलब आपके पास 5-6 हज़ार डायमंड पड़े होते हैं महीने भर में, ठीक है, तो आप इवेंट के ऊपर वीडियो बना सकते हो, ठीक है। तो वो आपकी चॉइस है, आप किस फील्ड में कैसा बोल पाएंगे, किस फील्ड में कैसा काम कर पाएंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अभी मेरी बात करें कि मेरे को प्रो टिप्स एंड ट्रिक्स के ये जो कैटेगरी है मेरे को कहाँ से मिली, तो यार देखो, प्रो टिप्स एंड ट्रिक्स की कैटेगरी जो है मैं अपने आप से नहीं बनाया, ठीक है। जब मैं गेम प्ले करता था तो मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स थे, पुराने फ्रेंड्स थे, अभी तो उनका पता ही नहीं है, फ्रेंड लिस्ट से उनका पता ही नहीं है, बट पुराने फ्रेंड्स थे, तो वो मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ करते थे और बोलते थे कि भाई आपका गेम प्ले जो है एकदम अलग लेवल का है, मतलब पूरे के पूरे स्क्वाड जो है मैं किल कर देता था, ठीक है। तो मेरे को लगता था कि यार मैं करता हूँ, यूट्यूब में कुछ करता हूँ, तो पहले ऐसे नॉर्मल वीडियोस बनाता था, आप पुराने वीडियोस देख लेना आपको समझ में आ जाएगा, मैं पहले ऐसे वीडियोस बनाता था। उसके बाद जो है मैंने सोचा कि यार मैं मतलब जो फाइट करते हुए जो स्ट्रेटजी यूज़ करता हूँ, क्यों ना वो स्ट्रेटजी मैं लोगों को बताऊँ, क्यों ना मैं वो स्ट्रेटजी लोगों को सिखाऊँ। तो मैंने सोचा कि यार चलो यार गेम प्ले करता ही हूँ और जो मैं स्ट्रेटजी यूज़ करता हूँ स्क्वाड को ख़त्म करने में या एक बंदे को किल करने में, सोलो में रैंक पुश करने में, मैं जो स्ट्रेटजी यूज़ करता हूँ वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे बताया करूँगा। एंड फ्रेंड्स, उसके लिए जो है मेरी फैमिली ने मुझे फुल सपोर्ट किया, जिस भी चीज़ की मेरे को ज़रूरत पड़ी, कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह सब कुछ मेरे को लेके दिया एंड मैंने जो है वीडियोज़ बनाना स्टार्ट किया एंड अभी जो है नतीजा आपके सामने, ठीक है। टिप्स एंड ट्रिक्स में मुझे सपोर्ट क्यों मिला, सपोर्ट इसलिए मिला क्योंकि मैं जो हूँ टिप्स जो बताता हूँ वर्केबल एंड नॉलेजेबल एंड बहुत सारी मोटिवेशन आप सब लोगों में अपने वीडियोस में देता हूँ, इसलिए मेरा जो चैनल है जो जल्दी से ग्रो कर गया एंड ग्रो करेगा फ्रेंड्स, आगे भी ग्रो करता रहेगा, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बना रहेगा तो यूँ ही ग्रो करते रहेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो है मैं वीडियोज़ नहीं बनाऊंगा किसी प्रकार का, इस प्रकार का कि यूट्यूब चैनल ग्रो कैसे करें, ये वो फला डिमक्का, तो बस यही था। एंड आपके जो भी क्वेश्चंस, जो भी डाउट्स, मैं सभी क्लियर कर दूंगा। एंड कैटेगरी जो मुझसे कोई बंदा पूछता है तो मैं बोलता हूँ भाई गेम प्ले की वीडियो बनाओ, अगर आपका गेम प्ले अच्छा है तो एंड पैसे हैं तो आप इवेंट के ऊपर वीडियोज़ बना सकते हो, बाकी आपकी चॉइस है, सलाह देना मेरा काम है, ठीक है। एंड गाइस देखो, गेम प्ले की वीडियोस जो है ना, अगर आपका गेम प्ले अच्छा है तो ही आप बनाना, आप कमेंट्री नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं, आप गेम प्ले की वीडियोस बनाओ, ठीक है। एंड एक बात और, आप प्रो टिप्स एंड ट्रिक्स के अगर कि आप वीडियोस बना रहे हो तो आपकी वीडियो में कुछ होना चाहिए, मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए जो लोगों को इंटरेस्टिंग लगे एंड वीडियो में मोटिवेशन भी मिलनी चाहिए। जैसा आप मेरा वीडियो देखते हो, आप पूरा वीडियो देखो, आपको पता चलेगा कि यार वीडियो में कुछ तो होता है, तभी तो बंदे मेरी वीडियो देखते हैं, ठीक है। और गेम प्ले भी फ्रेंड्स आपका अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपका जो लेवल है 50-55 ऐसा कुछ है और आप जो है प्रो टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर वीडियोस बना रहे हो, कुछ है ही नहीं, मतलब आपको खुद अच्छे से खेलना नहीं है और आप लोगों को सिखा रहे हो, तो वो एक प्रकार से मतलब ऐसा हो जाता है कि आप पहले खुद सीखो उसके बाद आप लोगों को सिखाओ। तो ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ, बाकी सब लोगों का बहुत अच्छा गेम प्ले होता है, सब लोग बहुत अच्छा खेलते हैं, बट फ्री फायर एक ऐसा गेम है, आप जितना खेलते जाओगे उतना ही आप सीखते जाओगे। अभी मेरी अगर की बात करें तो मैं भले ही मैं इतना ज़्यादा मतलब लेवल पे पहुँच गया हूँ, इतना ज़्यादा टाइम हो गया मेरे को खेलते हुए, लेकिन अभी भी मैं फुल्ली गेम को सीख नहीं पाया हूँ एंड फुल्ली तो यार कोई नहीं सीख पाया फ्री फायर गेम को, सुदीप सरकार, SK साबिर बॉस, राकेश007, कोई भी इस गेम को अभी तक पूरा नहीं सीख पाया है और ना ही सीख पाएगा। अरे SK साबिर जी हैं एंड हमारे जो सुदीप सरकार हैं, इनको भी किसी ने किल किया है, ठीक है, गेम में ये भी मारे जाते हैं, बट जो है वो है, ठीक है।
जो आप करना चाहते हो, जो आप मतलब जितना आप कर सकते हो, ऑफर आप लगा सकते हो, आप लगाते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, आप जो है अपने हिसाब से टॉपिक्स फाइंड करके, आप जिस हिसाब से जिस टॉपिक में आप जो अच्छे से बता सकते लोगों को, जिस हिसाब से अच्छे से आप समझा सकते लोगों को, उस हिसाब से आप जो अपनी कैटेगरी चूज़ कीजिए एंड वीडियोस बनाइए। एंड वीडियोस को जो है आपको क्या करना होगा, आपके चैनल के बारे में जो है यूट्यूब से नॉलेज लेती रहनी होगी। एंड अभी जो है मैं इस प्रकार के किसी भी प्रकार के वीडियोज़ नहीं बनाऊंगा। एंड जिन लोगों को थंबनेल बनाना सीखना है, मेरे जैसा थंबनेल बनाना जिन लोगों को सीखना है, तो थंबनेल के लिए मैं इंस्टाग्राम पे जल्दी वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों ने फॉलो कर लिया, अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं वहाँ पर थंबनेल बनाना आप सभी लोगों को सिखाऊंगा। यहाँ पर तो अपलोड कर नहीं सकते क्योंकि हमारा टेक चैनल है नहीं, ये हमारा गेमिंग चैनल है। एंड टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर फ्रेंड्स वीडियो आने लगेंगे परसों से। अभी जो है एग्जाम्स मेरे नज़दीक आ गए हैं, बट फिर भी आप टेंशन ना लो, एग्जाम्स चलते रहेंगे। एंड मैं जो हूँ वीडियोज़ भी आप सभी लोगों के लिए रेगुलर लाता रहूँगा, ठीक है। वीडियोज़ में हम गैप नहीं करेंगे, हमारा चैनल अच्छी ग्रो कर रहा है और यूँ ही सपोर्ट करते रहिए आप सभी लोग। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का प्यार और सपोर्ट के लिए। एग्जाम्स खत्म होने के बाद हम गिव अवेज स्टार्ट करेंगे कस्टम रूम में, तो आप सभी लोग ज्वाइन जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच गाइज आप सभी लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। जो भी क्वेश्चन हो कमेंट करना, ठीक है। और अभी मैं इस प्रकार का कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, अभी हम सिर्फ और सिर्फ गेमिंग वीडियोस बनाएंगे, ठीक है। तो चलो यार, आज के इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो यार, मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कर देना, मैं कमेंट में ही आंसर कर दूंगा। तो चलो यार, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।